Hello students, good morning. I, Suchitra Chaudhary from Department of Chemistry, SPC Government College, Ajmer, welcome you all for my today's lecture, Silicones and Phosphagens, lecture number 6. In this lecture, we will study about the structure and bonding in silicon compound and their applications. Silicones composition and structure. The silicone differ from most industrial polymer in that the chain of linked atoms that make up the backbone of their molecule do not contain carbon, the characteristic element of organic compound. जैसा कि हम जानते हैं, organic compound में जितनी भी polymers होते हैं, वो उनमें backbone में main atom carbon होता है. लेकिन silicone ऐसा polymer है, ऐसा industrial polymer है, जिसके बैकबोन में कार्बन एटम नहीं पाए जाते हैं. द लैक ऑफ कार्बन इन पॉलीमर बैकबोन्स मेक पॉलीसिलोक्सेन इनटू यूजुअल इनऑर्गेनिक पॉलीमर. तो कार्बन एटम की एब्सेंस की वजह से इस टाइप के पॉलीमर्स को हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंतर्गत स्टडी करते हैं. ऑल्दो दे आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, बट मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैव टू ऑर्गेनिक ग्रुप्स, यूजुअली विनाइल, मिथाइल और फिनाइल are attached to each silicon atom. हम इन्हें inorganic polymers के अंतर्गत study करते हैं क्योंकि इसकी जो backbone में main chain होती है वो silicon और oxygen atom की होती है. लेकिन यहाँ पर उस silicon atom से, प्रत्येक silicon atom से दो organic group भी attached होते हैं. So silicons have unique properties among polymer because of the simultaneous presence of organic group attached to a chain of inorganic atom. तो ये जो पॉलीमर है, इसमें इनऑर्गेनिक एटम के साथ में ऑर्गेनिक ग्रुप्स भी जुड़े हुए होते हैं. इसकी वजह से ये एक यूनिक टाइप के पॉलीमर्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. ए जनरल फॉर्मूला फॉर सिलिकॉन्स इज R2SiOH, वेयर R कैन बी एनी ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप. The most common silicon compound polydimethyl siloxane can illustrate the central characteristic of the class. This is the polydimethyl siloxane, जिसमें दो methyl group जुड़े हुए हैं और silicon oxygen की एक backbone chain बनी हुई है. Structure of silicon के अंतर्गत हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, silicon is usually टेट्रावेलेंट बट कैन एज्यूम हेक्सावेलेंट कैरेक्टरिस्टिक. जैसा कि हम जानते हैं, सिलिकॉन कार्बन के नीचे पाया जाने वाला सेम ग्रुप का एलिमेंट है. जिस तरह से कार्बन टेट्रावेलेंट है, उसी तरह से सिलिकॉन एटम भी टेट्रावेलेंट है, लेकिन इसको एज्यूम कर सकते हैं हेक्सावेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में. सिलिकॉन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन एंड हेंस सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड आर पोलर मोल्डेड सिलिकॉन्स. Silicones are synthetic polymer with a silicon oxygen backbone similar to that in silicon dioxide silica. जो basic element compound होता है silica, SiO2, उसमें silicon oxygen bond होता है. उसी तरह से silicones में भी जो main backbone है वो silicon और oxygen atom के द्वारा बनी भी होती है. But with organic group attached to the silicon atoms by carbon silicon bond. तो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड के अतिरिक्त इसमें सिलिकॉन के साथ में एल्किल ग्रुप जुड़ा होने से सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड भी पाया जाता है. द सिलिकॉन चेन एक्सपोजेज ऑर्गेनिक ग्रुप टू द आउटसाइड. ये जो जितने भी ऑर्गेनिक ग्रुप हैं, ये इस मेन बैकबोन चेन के आउटसाइड में पाए जाते हैं. डिस्पाइट हैविंग ए पोलर चेन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ एन एल्केन. इसकी जो मेन बैकबोन चेन है, ये पॉलर चेन है, इनऑर्गेनिक एटम से बनी भी होती है, लेकिन फिर भी इसमें एल्केन की भांति प्रॉपर्टीज पाई जाती है. सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी इज मच लार्जर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी एंड दिस इनेबल द सिलिकॉन ऑक्सीजन फ्रेमवर्क ऑफ द सिलिकॉन टू गिव पॉलीमर थर्मल स्टेबिलिटी. यहाँ पे जो मेन सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है, वो ऑर्गेनिक पॉलीमर में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इसमें थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की तुलना में ज्यादा होती है. टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट सिलिकॉन्स,
सिस्टमेटिक नेम्स आर यूज्ड बेस्ड ऑन मोनोमर। मोनोमर के आधार पे हम सिलिकॉन्स को, पॉलीमर्स को नेम डिटरमाइन करते हैं। द सिंपलेस्ट सिलिकॉन कंपाउंड इज सिलेन SiH4। दिस वन इज SiH4। एक सिलिकॉन एटम चार हाइड्रोजन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, विच बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ सिलेन्स। सिलेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एल्केन्स विद सिंपलेस्ट मेंबर इज मिथेन। तो इसको हम कंपेयर करें तो इसकी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक मिथेन होती है। मिथेन में कार्बन 4 एटम्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, सिलेन में सिलिकॉन 4 एटम्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब इस सिलेन में इन दो हाइड्रोजन की जगह पे जब ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं और इन दो हाइड्रोजन की जगह पे ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ जाता है तो इसे हम सिलोक्सेन कंपाउंड कहते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सिलिकॉन चेन इज इंडिकेटेड बाई यूजिंग द सिस्टमेटिक नेम सिलोक्सेन। जब सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है तो इन कंपाउंड को हम सिलोक्सेन कहते हैं। सो टर्म्ड एज इट कंटेन्स ए सिलिकॉन एटम एंड ऑक्सीजन एटम एंड इज सैचुरेटेड एज इन एल्केन। इसमें मेनली सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम होता है और वो सैचुरेटेड सिलिकॉन एटम सैचुरेटेड होते हैं जैसे एल्केन्स होते हैं, उस तरह से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो इन कंपाउंड्स को जब दिस वन इज वन सिलोक्सेन यूनिट R2SiO और जब ऐसी यूनिट्स दिस इज सिलोक्सेन यूनिट और जब एक से अधिक सिलोक्सेन यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो इसे हम पॉली सिलोक्सेन या सिलिकॉन्स के नाम से जानते हैं। तो हमने सिलोक्सेन यूनिट के बारे में पढ़ा और इस सिलोक्सेन पे कौन सा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है इसके आधार पे हम उस सिलोक्सेन का कंप्लीट नेम डिसाइड करते हैं। इफ द ग्रुप attached to the siloxane chain are phenyl group, the resulting silicone is called polydiphenyl siloxane. तो where R जो siloxane unit है उसमें जो R group हमने दिया हुआ है वो represent करता है organic group को जो कि उस silicone backbone से जुड़ी हुई होती है। ये R group हो सकता है methyl group, phenyl group, ethanyl group and trifluoropropyl group। इसके आधार पे हम उस polymer का नाम decide करते हैं। The most widely used silicones are those which have methyl group along the backbone. तो जो most common example हैं silicones के उनमें mainly methyl group जुड़े हुए होते हैं। Properties such as solubility in organic solvent, water repellent and flexibility can be altered by substituting other organic group for methyl groups. यदि हम methyl group को दूसरा organic group के साथ में replace कर दें तो इसकी ये properties जो हैं जैसे कि उनका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी या वाटर रिपेलेंस नेचर या फ्लेक्सिबिलिटी, इनको हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन्स विद फिनाइल ग्रुप्स, यदि हम मिथाइल की जगह पे फिनाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो दीज कंपाउंड्स आर मोर फ्लेक्सिबल पॉलीमर देन दोज विद मिथाइल ग्रुप्स। दे आर ऑल्सो बेटर लुब्रिकेंट्स एंड आर सुपीरियर सॉल्वेंट्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दीज आर अबाउट द structure and bonding in silicone compounds. Now we will discuss about the application of silicones. Silicones ka use hum kahan kahan kar sakte hain. Silicones can take many forms from liquid to solid. Jo silicones hain wo kai forms mein paaye jate hain jo hum piche bhi study kar chuke hain different liquids or solid ke roop mein, and that allows engineers, scientists, inventors and companies to use them as a vital component in thousands of consumer and industrial applications. It may be as a fluid, silicon rubber, silicon gel or silicon resin or their mixture. It is their versatility that makes silicon a key ingredient in products that make our lives better every day. So, these are some applications which we may use in our daily life. Silicones have been used for making waterproof. इसके water repellent nature की वजह से हम इसको use कर सकते हैं waterproof paper बनाने में, waterproof wool, textile, wood, etc. After coating these articles with silicones, इन articles पे silicone की coating करने के परिणाम स्वरूप हम उनको waterproof reagent के रूप में use कर सकते हैं। The viscosities of silicone do not change with temperature, so it may be used for lubricants in all weather, as well low temperature as well as high temperature. सभी temperature पे हम इसको lubricants के रूप में use कर सकते हैं.
Their low surface tension leads to their use as anti-foaming agent in textile industry, dyeing, fermentation process and sewage disposal. अर्थात इसके लो सरफेस टेंशन की वजह से हम इसको एंटी फॉर्मिंग एजेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं. एज ए माउल्ड रिलीजिंग एजेंट इन रबर इंडस्ट्री एंड फाउंड्री इट अवॉइड्स द स्टिकिंग ऑफ कोस्टिंग टू द माउथ. फॉर मेकिंग बॉडी इम्प्लांट्स इन कॉस्मेटिक सर्जरी ड्यू टू इनर्ट नेचर. सिलिकॉन्स का मेडिकल फील्ड में भी यूज कर सकते हैं. इसके इनर्ट नेचर की वजह से हम इसको बॉडी इम्प्लांट एज ए कॉस्मेटिक सर्जरी में बॉडी इम्प्लांट के रूप में भी कर सकते हैं. सिलिकॉन्स आर नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन पेंट्स फॉर रेजिस्टिंग डैम्पनेस एंड फॉर वाटर प्रूफिंग. हम इसको कलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं. दे आर यूज एज ग्रीस वार्निशेज एंड दीज कैन बी यूज इवन एट वेरी लो टेम्परेचर ऑल्सो. और इनकी वाटर रिपेलेंट नेचर की वजह से हम इनको और हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वजह से सिलिकॉन्स को इलेक्ट्रिकल कंडेंसर में भी यूज कर सकते हैं. ड्यू टू देयर कंप्लीट नॉन टॉक्सिसिटी दे अलाउज देम टू बी यूज टू प्रिवेंट फ्रॉथिंग इन कुकिंग कुकिंग ऑयल्स प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट जूसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो चिप्स. तो इस तरह से हमने देखा कि इनकी डिफरेंट हाई थर्मल स्टेबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस, नॉन टॉक्सिसिटी और इन्हीं सब लो विस्कोसिटी, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से हम इनको डिफरेंट मेडिसिनल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कुकिंग ऑयल्स, फूड जूस आदि सभी के अंदर इनका यूज हो सकता है. तो दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर. एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी about the next inorganic polymer, phosphagens. Thank you.